वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज संध्या स्टूडियो एडिटिंग वर्क। आज मैं आपको बताऊंगी कि फोटोशॉप में फ़ोटो को कैसे एडिटिंग की जाती है। इसके लिए मैंने एक फ़ोटो को ओपन किया है, इसके बाद मैंने एक फ़ोटो के लिए एक न्यू पेजर को ओपन किया है। अब मैं फ़ोटो को ट्रैक करते हुए न्यू पेज में रखूंगी। ये देखिए मैंने फ़ोटो को रख दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, कंट्रोल टी के द्वारा फ़ोटो को बड़ा किया जाता है। ये मैंने फ़ोटो को बड़ा कर दिया है, देखिए ये फ़ोटो बड़ी हो गई। अब मैं इरेजर का यूज़ करूँगी। टूल बार में देखिए इरेजर दिए हुए हैं, जिसमें मैं फर्स्ट वाले इरेजर को सिलेक्ट करूँगी। मैंने फर्स्ट वाले इरेजर को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए इरेजर से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगी। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं सिलेक्ट टूल से सिलेक्ट करूँगी फ़ोटो को, जितने मुझे चाहिए है। मैंने इतनी सिलेक्ट की है क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए है। सिलेक्ट इनवर्स का क्लिक करूँगी। सिलेक्ट इनवर्स सेलेक्ट किया मैंने और क्लिक का यूज़ किया। अब राइट क्लिक करने के बाद मैंने सिलेक्ट इनवर्स किया। मुझे इस वाली फ़ोटो को बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए केवल मैंने फ़ोटो को ही सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि बॉर्डर देने के लिए एडिट स्टॉप और वर्क कलर मैंने सेलेक्ट किया है और ब्रिथ इसकी टर्न दी है, बैक ओके करना है। ये बॉर्डर हो गई और राइट क्लिक करने के बाद आपको डिसलेक्ट करना है। इसके बाद फ़ोटो को थोड़ा छोटा करेंगे। ये कंट्रोल की के द्वारा छोटा हो गया। देखिए ये फ़ोटो की एडिटिंग हो गई। आपको पीछे की फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट करना है, तो लेयर से सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल यू का यूज़ कीजिए, इसके द्वारा फोटो सेलेक्ट